नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि आज यस बैंक के काउंटर पे अपर सर्किट लगा है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो अपर सर्किट लगा है, ये सर्किट का सिलसिला कब तक चल सकता है आने वाले दिनों में, और इसके आने वाले दिनों में टारगेट क्या हो सकते हैं। और दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि कोई न्यूज थी यस बैंक के काउंटर पे, या ये न्यूज बेस्ड रैली है, या फिर ये टेक्निकली रैली है। तो इन सब चीजों के बारे में हम जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की हम ऐसी वीडियो आपको बना के देते रहें और सबसे पहले अपडेट करते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं कि यस बैंक के काउंटर पे आज अपर सर्किट लगा। आप देख रहे हैं इसकी ओपनिंग हुई 15 रुपए 10 पैसे पे। प्रीवियस क्लोज था 15 रुपए 5 पैसे का, हाई बनाया इसने 15 रुपए 80 पैसे का, लो बनाया 15 रुपए का, और ये क्लोज हुआ 15 रुपए 80 पैसे पे। 4.98% अप्रोक्सीमेट 5%, जो 5% का इसका अपर सर्किट का कैप है जो सेबी ने डिफाइन किया है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। आज इसने अपर सर्किट मारा, कल देखते हैं कि ओपनिंग में कैसा बिहेवियर। अगर कल भी ये अपर सर्किट पे खुलता है लगभग 16 रुपए 90 पैसे या 70 रुपए के आसपास, तो दोस्तों ये सेबी का एक रूल है कि लगातार दो अपर सर्किट करने पे वो सर्किट, दो या तीन करने पे वो सर्किट चेंज करता है। तो अभी तो 5% है, तो अगर कल भी हमारेगा या फिर कल शाम तक, फिर परसों सुबह सेबी सर्किट चेंज कर देगा। तो अभी 5% है और सेबी में भी वो 5 से 10% कर सकता है। बाकी दोस्तों देखते हैं कि ये न्यूज है। न्यूज में ये जो ओमकार डेवलपर है, इन्होंने लोन लिया हुआ था यस बैंक से, तो इनका एनपीए जो है, इनका लोन जो है एनपीए बन गया है। तो इन पे ये ने छापा मारा था और इनके एमडीएन को ओमकार डेवलपर के अरेस्ट कर लिया है। तो लेकिन ये न्यूज कल आई थी, और कल तो लेकिन यस बैंक के काउंटर में कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, वो लगभग डाउन ही था, लेकिन कल मार्केट बहुत डाउन था। तो आज की डेट में भी ये इसका रिएक्शन है, क्योंकि ये अरेस्ट हुए हैं तो इनके प्रॉपर्टीज की भी नीलामी होगी, तो यस बैंक के लिए ये थोड़ा पॉजिटिव साइन है। तो मेरी ये रीजन हो सकता है कि आज यस बैंक का काउंटर 5% के अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है। वॉल्यूम देख सकते हैं दोस्तों, आज टोटल वाइज टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड 16,48,23,797, डिलीवरेबल क्वांटिटी 6,61,00,000, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 40.3%। दोस्तों 30% के ऊपर की डिलीवरी अच्छी मानी जाती है, और ये लगभग 40% की डिलीवरी है। इसका मतलब कि लगभग आज ये सौदा उठा है और ये सिलसिला जारी रह कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। और अगर कल ओपन होते ही ये अगर सर्किट पे ओपन होता है, तो शाम तक तो सर्किट पे ही रहेगा। अगर ये ओपन होता है सर्किट पे, तो परसों सुबह में भी सेबी सर्किट चेंज कर सकती है, जो 10% कर सकती है। तो दोस्तों हम चार्ट पे आ जाते हैं, देख रहे हैं स्ट्रेट अपसाइड, देख रहे हैं 15 to 15.54, देन 15.6, 15.7, देन 15.8 पे ये क्लोज हुआ। आज कितना पॉजिटिव साइन था। लेकिन दोस्तों आज मार्केट भी अप था, और अगले कुछ दिनों तक मार्केट भी जो निगेटिविटी थी लगभग दिख रही थी खत्म हो जाए, क्योंकि आज इकोनॉमिक सर्वे का वो पार्लियामेंट में रिपोर्ट आई हुई है जो FY22 में 13% तक जो है इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर सकती है। तो अभी मार्केट जो है इस रिपोर्ट पे रिएक्ट करेगा, तो अगले कुछ दिनों में मार्केट पॉजिटिव रह सकता है और मे बी यस बैंक का सर्किट का सिलसिला शुरू हो सकता है। दोस्तों आगे की स्ट्रेटजी क्या रखी है। आज तो जैसे अपर सर्किट में क्लोज हुआ, कल मे बी ये मॉर्निंग में अपर सर्किट पे ओपन हो सकता है। तो बाई द वे अगर ये अब सर्किट ओपन ना हो, थोड़ा बहुत 2-3% के आप पे हो, तो आप लोग खरीद सकते हैं इसे, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। लगभग अगर जैसे आपका बजट है लगभग 10,000 रुपये, तो उसका लगभग 30% लगाइए, 3,000 रुपये, इससे ज्यादा नहीं। और जब क्योंकि ये आपको बाद में भी मौका देगा, और अगर ये सर्किट ओपन नहीं होता है, ऊपर सर्किट पे ही ओपन होता है और सर्किट पे ही क्लोज होता है, तो हमको मौका नहीं मिलेगा, फिर बाद में देखते हैं। लेकिन अगर बाय द वे सर्किट पे ना ओपन हुआ, तो 3% 3% तक आप पे हुआ, और मे भी 2-3 घंटे खुलने के बाद वो फिर शाम तक या फिर 2-3 बजे के बाद ही अगर सर्किट मारा, उसके पहले ही थोड़ी क्वांटिटी में हम लोग खरीद लेते हैं। तो ये
जो रैली है, अगर ये रैली कंटिन्यू रही तो 17, 18 और 19 तक ये जा सकता है, 19, 20, फिर वहां पे जाके रुकेगा। दोस्तों यस बैंक का थोड़ा फाइनेंशियल देख लेते हैं। जैसे ये FY 2029 में इनका जो रेवेन्यू था वो 34,299 करोड़ रुपए का था, और FY 2020 में 38,008 करोड़ का अभी तक, अभी एक क्वार्टर बचे हुए हैं। तो रेवेन्यू तो लगभग इम्पैक्ट है, कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ के ही आएगा अगर अगला वाला क्वार्टर जोड़ के आ जाएगा। आगे देखते हैं EBITDA प्रॉफिट। इसमें FY 2029 में 2,654 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, और FY 2020 में अभी तक -20,496 करोड़। ये दोस्तों जानते हैं कि पिछले 2-3 क्वार्टर से, एक बार जुलाई क्वार्टर में यस बैंक ने 45 करोड़ रुपए का प्रॉफिट शो किया था, उसके पहले अक्टूबर क्वार्टर में 131 करोड़ का, और अब पिछले क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में 151 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, बट उसके पहले लास्ट में 18,000 करोड़ रुपए का लॉस शो किया था। इसलिए जो नेट कैलकुलेट होके आ रहा है वो 20 से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लॉस होके आ रहा है। ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस निगेटिव ईपीएस है, मीन्स कोई रिटर्न दिया नहीं हुआ, अर्निंग पर शेयर निगेटिव है, कोई अर्निंग हुई नहीं है शेयर। इसके पीयर्स का देख लेते हैं। इसके पीयर्स में देखिए यस बैंक का पी रेशियो निगेटिव है, पीवी रेशियो 0.91 है। एचडीएफसी बैंक का पी रेशियो देख रहे हैं तो 28 रुपए 26 पैसे, पीवी रेशियो 4.36। आईसीआईसीआई बैंक पी रेशियो 35.27, पीवी रेशियो 2.60, कोटक महिंद्रा बैंक 39.24, पीवी रेशियो 5.02। तो यस बैंक अपनी इंडस्ट्री के, बैंकिंग इंडस्ट्री के पीयर्स के सामने कहीं नहीं टिक रहा है। लेकिन माना कि इसमें अभी पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा उठापटक चल रही है, डूबने के कगार पे आ गया था, फिर बचाया गया, लेकिन अभी पिछले 2-3 क्वार्टर से थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है, लेकिन अभी लगभग सांस ले रहा है, जिंदा है, अभी दौड़ना शुरू नहीं किया है। दोस्तों अभी हम टिकर टेप वेबसाइट पे आए हुए हैं, जहां पे इसका डिटेल में फोरकास्ट देख सकते हैं। देख रहे हैं हाई, बहुत ही वैरायटी है इसके फोरकास्ट में, मीन्स एनालिस्ट भी कंफ्यूज हैं। अगर ये चल गया तो ऊपर का टारगेट लगभग 69 रुपए 48 पैसे का, अगर नहीं चला तो देख रहे हैं 5 रुपए 79 पैसे का, और मीडियम एवरेज टारगेट 12 रुपए 54 पैसे का, जो कि इसका एफपीओ का टारगेट है, और वो भी एफपीओ आया था जुलाई में। तो जुलाई से, अभी जुलाई, अभी क्या जनवरी चल रहा है, तो जनवरी से जुलाई आने में, अभी आने में 1 साल हो जाएगा, और अभी भी लगभग स्टॉक 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक थोड़ा दिसंबर में 21 रुपए 20 रुपए 54 पैसे तक गया था, लेकिन वो न्यूज के चलते गया था, कोई इसे फंडामेंटल वो रैली नहीं। दोस्तों लास्ट में डिस्क्लेमर, जिससे कि अगर आप जो भी डिसीजन लेते हैं इसको बाई सेल या होल्ड की, ये आपका अपना डिसीजन होगा। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिए। हमारा इस पे कोई भी बाई सेल या होल्ड की रेटिंग नहीं है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैंने इसे बाई किया हुआ है, और मेरा एवरेज प्राइस थोड़ा सा ऊपर है, मैं बहुत पहले से बाई किया हूँ। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बना के देता रहूँ।